मौसम और सियासत दोनों करवट बदल रहे हैं, दोनों का पारा चढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के दो चरण अब तक पूरे हो चुके हैं, तीसरे चरण से पहले सियासी पारा तेजी से चढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अब जिस चरण में चुनाव है वो अहम है। चुनाव यादव लैंड पर है, यानी मैनपुरी, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, बरेली और बदायूं, ये वो इलाके हैं जहां समाजवादी पार्टी को ज्यादा उम्मीद है। वहीं बीजेपी अब पूरे यादव लैंड पर नजर गड़ाए हुए है, जिसकी बांगी आज मैनपुरी में देखने को मिली। मैनपुरी सीट जहां समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है, वहीं आज योगी के रोड शो ने संकेत दे दिए हैं कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी के लिए एक ख्वाब हो सकता है। सभी की निगाहें ब्रज और रुहेलखंड क्षेत्रों पर हैं। कोर वोटर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये चुनाव क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यादव मुस्लिम बहुल वाली इन सीटों को इसलिए ही यादव लैंड के नाम से जाना जाता है। हालांकि पिछले दो चुनाव से अपने इस खास मैदान में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को सफलता नहीं मिल पा रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अगर समाजवादी पार्टी यहां की सीटों पर जीत का परचम नहीं लहरा पाती तो हमेशा के लिए जमीन खोने का डर उन्हें रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के समर्थन में एक रोड शो किया। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी में योगी के रोड शो में भारी भीड़ इकट्ठा हुई और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर पर भी खड़े नजर आए। उन्होंने बुलडोजर पर खड़े होकर के सीएम योगी का स्वागत किया। इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौ हत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही हम करेंगे। बहनों भाइयों, दिल्ली गठबंधन को वोट देने का मतलब भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ और कोई भी सच्चा भारतीय जो अपनी आस्था को सम्मान करता है वह कांग्रेस गठबंधन के इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। आज जो माहौल है उस माहौल को ध्यान में रखते हुए मैनपुरी भी इस बार परिवर्तन की राह पर चल रहा है। आपके उत्साह के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भारत को एक बार फिर से गुलामी से धकेलने की साजिश का हिस्सा है। इनके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी हो देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश कांग्रेस और सपा के द्वारा एक और करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। अगर मैनपुरी सीट की बात करें तो ये जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के लिए काफी अहम है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी का लंबे वक्त से कब्जा रहा है और अब सवाल उठता है कि मैनपुरी सीट अहम क्यों है। दरअसल ये जो सीट है वो अखिलेश यादव के लिए नाक का सवाल है। इस सीट पर 1996 से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। 1996 में पहली बार मुलायम सिंह यादव चुनाव जीत करके संसद पहुंचे और वहीं अगर इस सीट पर उम्मीदवार भी बदला गया तो भी मैनपुरी सीट पर कब्जा समाजवादी पार्टी का ही हमेशा से रहा है। मैनपुरी सीट पर इस बार जो टक्कर है वो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में है। बीजेपी ने यहां से मैनपुरी की सदर सीट से विधायक और योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव चुनाव मैदान में हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी से शिव प्रसाद यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैनपुरी सीट खास क्यों है अगर इसकी बात करें तो ये सीट दरअसल मुलायम सिंह की कर्मभूमि रही है। उन्होंने 1996 में चुनाव जीता था, साथ ही इस सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। डिंपल यादव यहां से मौजूदा सांसद और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। साल 2009 और 2019 के बीच की अगर बात करें तो बीजेपी ग्राफ जो रहा है वो साल दर साल बढ़ता रहा है। बीजेपी 2009 के चुनाव में यहाँ 8.10 से
2019 में 44.09 तक पहुंचा, यानी कि 10 साल में बीजेपी का वोट शेयर तकरीबन 36% बढ़ गया। मैनपुरी लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीट आती है, जिसमें से बीजेपी 2 जबकि समाजवादी पार्टी का 3 सीट पर अभी कब्जा है।